कारगिल जंग का आज 25वां विजय दिवस है। पूरा मुल्क आज कारगिल में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है। पीएम मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह में शामिल होने के लिए लद्दाख में हैं। पीएम ने सबसे पहले द्रास पहुंचकर शहीदों को खराज अकदर पेश किया। पीएम मोदी ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल के 25 साल पूरे होने की गवाह बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि वतन के लिए दी गई कुर्बानी अमर होती है। दिन महीने और सदियां भी गुजरते हैं और मौसम भी बदलते हैं, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी अमिट रहती है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए जंग में फतह हासिल की। भारत की जीत की सिल्वर जुबली के मौके पर 24 से 26 जुलाई तक कारगिल जिले के द्रास में शानदार तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है।